Assalamu alaikum everyone, I hope you all are doing good. Let's talk about self-care and self-grooming tips. अपनी स्किन केयर के लिए हम जो चीज़ें कर सकते हैं वो बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ आइस क्यूब्स. अपनी स्किन पे इसको बार बार रब करने की आदत बनाएं. इसको समर केयर में ज़रूर ऐड करें. आइस क्यूब्स आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाते हैं और पोर्स को ओपन होने से रोकते हैं. एड मास्क इन योर स्किन केयर रूटीन, दे आर वेरी बेनिफिशियल. आर्टिफिशियल मास्क भी मार्केट से अवेलेबल होते हैं. और दूसरा, आप होममेड रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते हो. ड्राई स्किन केयर रूटीन और ऑयली स्किन केयर के लिए अलग से रूटीन फॉलो होगी. होममेड में मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे योगर्ट और एक लेमन का मास्क बहुत फेमस है. इससे आपकी स्किन को ग्लोइंग एक लुक मिल जाती है. और बाकी बहुत सारे मास्क हैं जो आप वैसे ही ट्राई कर सकते हो होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ. होममेड मास्क मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ. एलोवेरा जेल, हनी, योगर्ट, ये सब चीज़ें मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ और ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं और इनके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. नेक्स्ट आपकी सेल्फ केयर और ग्रूमिंग टिप्स में आ जाएगा मॉइस्चराइजर. अप्लाई मॉइस्चराइजर व्हेनेवर यू गो आउटसाइड और साथ में इसके साथ सनब्लॉक भी ऐड करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्रिंक वाटर, वाटर और वाटर. अपने आप को समर्स में स्पेशली हाइड्रेटेड रखें, बहुत सारा पानी पिएं और चिल करें. फिर आ जाता है हमारे पास जर्नलिंग. जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल केयर. आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट. राइट वट एवर यू वॉन्ट. अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस, अपनी हर चीज़ आप अपने जर्नल्स में लिख सकते हैं, नोट डाउन करते हैं. इससे आपको अपने आप का ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है और आप अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करके उन पर वर्कआउट कर सकते हैं ईजीली. डोंट यूज़ टू मच मेकअप, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन. मेकअप जितना आप ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन का बेड़ा गर्क होगा. यूज़ मेकअप ओनली वेन एवर इट इज़ नेसेसरी या जब आपने बाहर जाना हो, इंपॉर्टेंट फंक्शंस या इवेंट्स हों. नेक्स्ट फॉर गर्ल्स के लिए है कि आप अपनी क्यूट सी एक्सेसरीज ऐड करें. अपने आप को पर्सनली ग्रूम करने के लिए बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं. आप वो बाय कर सकते हैं और अपने आप पे यूज़ कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू कीप एवरीथिंग सिंपल. किसी भी चीज़ में ओवर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. फोकस ऑन योर डाइट. आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट करता है. आपकी स्किन पे वही रिफ्लेक्ट होता है जो चीज़ें आप खाते पीते हो. डाइट का खास तौर पे ख्याल रखें. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स को ज़रूर ऐड करें. बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ और इससे आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है. रीड एवरी काइंड ऑफ बुक जो भी आपको इंटरेस्ट है. नॉवल्स पढ़ सकते हैं, तारीखी किताबें पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें. बुक रीडिंग बहुत ही कामयाब लोगों की हैबिट्स में से एक हैबिट है और आप ज़रूर डेवलप करें. द लास्ट वन इज़ टू एक्सरसाइज. आप एक्सरसाइज भी करने को अपनी आदत में शामिल ज़रूर करें. और आई विल रिकमेंड के जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो अपनी नमाज़ों को रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दें तो ये उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज होगी. एक मुसलमान के लिए नमाज से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती. बट अगर आप मॉर्निंग वॉक्स या नाइट वॉक्स में जाते हैं तो ये उससे भी अच्छी बात है. आप लोग फिट और हेल्दी रहोगे. If you guys like the video, do subscribe my channel.